दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके घर परिवार में सुख शांति व समृद्धि हो, उसके घर में पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहे। इसके लिए लोग कई तरह के पूजा पाठ हवन आदि भी करवाते हैं ताकि उनके घर में पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहे। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ सारे काम अच्छे से होते हैं। वहीं घर को पॉजिटिव एनर्जी से भरने के लिए भगवान की पूजा पाठ सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। कहा जाता है कि जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा सदैव बनी रहती है, लेकिन कई बार घर में इतनी अधिक नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है कि नॉर्मल पूजा पाठ से भी घर पवित्र नहीं होता है। इसका नेगेटिव असर परिवार में आने वाली मुसीबतों के रूप में दिखने लगता है। ऐसे में इससे बचने के लिए लोग घर में सत्यनारायण की कथा करवाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस घर में सत्यनारायण की कथा होती है उस घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा समाप्त हो जाती है। ये घर के माहौल को पॉजिटिविटी में भर देता है। इस अच्छे माहौल की वजह से घर में लक्ष्मी भी जल्दी प्रवेश करती हैं और आपकी धन संबंधित परेशानियों को दूर कर देती हैं। जी हाँ, आपने भी अपने घर या ऑफिस में आज तक सत्यनारायण की कथा कई बार करवाई होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर या दफ्तर में सत्यनारायण कथा करवाने के पूर्व यदि आप ये खास दिन काम कर लेंगे तो इस कथा का असर दुगना हो जाएगा। जी हाँ, तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन से है ये तीन काम। पहला, गंगा जल का छिड़काव। सत्यनारायण की कथा कराने से पहले घर में गंगा जल छिड़क उसे पवित्र कर लेना चाहिए। जी हाँ, गंगा जल छिड़कने से घर में उपस्थित बुरी शक्तियाँ दूर चली जाती हैं। ऐसे में पूजा के समय घर में पवित्र माहौल रहता है। साथ ही ये गंगा जल व्यक्ति के मन में आने वाले बुरे विचारों को भी दूर करता है, जिसके चलते कथा में शामिल होने वाले सभी लोग सच्चे मन से बैठते हैं और कथा का आनंद लेते हैं। दूसरा, चाय पानी की व्यवस्था। जब भी आप घर में सत्यनारायण की कथा करवाते हैं तो उसमें शामिल होने वाले घर के अतिरिक्त बाहर के लोग भी आते हैं। इन बाहरी लोगों में कथा करवाने वाला पंडित भी शामिल होता है। ऐसे में कथा के बाद में वहां आए अतिथियों का स्वागत सत्कार भी अवश्य होना चाहिए। कथा में आए मेहमानों को भूखा प्यासा नहीं जाने देना चाहिए। उनके लिए पहले से चाय पानी और नाश्ते की व्यवस्था करके रखनी चाहिए। तीसरा, घर की साफ सफाई। यदि आप सत्यनारायण कथा करवाने जा रहे हैं तो आपके घर या ऑफिस का साफ सुथरी हालत में रहना बेहद जरूरी है। आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि घर के किसी भी कोने में मकड़ी के जाले ना लटक रहे हों। साथ ही घर में जमा पुरानी धूल या कचरे को बाहर फेंक दें। जिस दिन घर में सत्यनारायण की कथा हो उस दिन घर में कचरा भी स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। यदि आप घर को बिल्कुल साफ रख के उसमें कथा करवाओगे तो इनका असर दुगना होगा और आपके घर कथा के बाद भगवान जल्दी प्रवेश करेंगे। ये तो फ्रेंड्स, अगर घर दफ्तर में सत्यनारायण की कथा करना चाहते हैं तो पहले जरूर कर लें ये तीन काम।